सिलीगुड़ी के सफदर हाशमी चौक से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर INDTUC के तरफ से लेकिन एक विरोध रैली निकाली गई है केंद्र सरकार के विरुद्ध। हम कह सकते हैं कृषक बिल को लेकर के ये रैली, और इसी के साथ साथ कृषक बिल के असमर्थन में ये रैली है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हाथरस की जो कांड हुई थी, बलात्कार की, दुष्कर्म की कांड, उन सभी चीजों को लेकर के लेकिन आज ये रैली आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में INDTUC के जो भी कार्यकर्तागण है वो सभी लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये रैली निकल चुकी है शहर का बाघा जतीन पार्क यानी कि BJP से। और कल की अगर हम बात करें तो कल की भी तस्वीर लेकिन हमने आपको दिखाई दी कि जहाँ पर इन सभी चीजों को लेकर के रैली जो है वो निकली थी। और ठीक मेरे पीछे और आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। शामिल हुए कृषक विशेष कर लड़ी हम जीवन दिए कृषक पिछने दाड़ब कृषक संगे आ। साथ ही साथ लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है वो हाथरस कांड को लेकर के भी जुड़ी, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाथरस कांड में जो हुई थी उसको लेकर के भी आज आपको यस जो ये हुआ है पीसी बिल जो मुझे मेन वो तो जो हुआ है भरत का लड़के के लिए उसी के लिए हम लोग आज मिशन निकले हैं। और यहाँ पर लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए उन सभी से बातचीत करेंगे। संजय पाठक जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ तृणमूल के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष, सभी से लेकिन हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्हीं से। और ये रैली आप देख, साथ ही साथ अगर हम पुलिस की बात करें, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जितने भी अधिकारी गण हैं लेकिन वो भी लेकिन समर्थन मतलब निकले हुए हैं इस रैली के साथ साथ। और लोगों की भीड़ की अगर हम बात करें तो लोगों की भीड़ जो है वो देखते ही बन रही है। और पीछे जितने दूर तक आप अपने नज़रों को फेरेंगे वहाँ तक लेकिन ये भीड़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल सिलीगुड़ी शहर के जो बाघा जतीन पार्क है BJP से ये रैली निकल चुकी है और फिलहाल सेवक मोड़ क्रॉस करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ एयरव्यू मोड़ तक जा रही है। INDTUC की तरफ से ये विशाल रैली केंद्र सरकार के विरुद्ध और UP सरकार के भी विरुद्ध हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हाथरस कांड जो हुआ है, बलात्कार कांड जो कहा जा रहा है, वो सभी के विरुद्ध लेकिन और कृषक बिल के विरुद्ध में और समर्थन में ये रैली जो है वो देखी जा रही है। और विशाल संख्या में लेकिन लोगों की भीड़ भाड़ इस रैली में देखने को मिल रही है। और अगर हम कल की बात करें तो कल भी देखा गया था कि भाजपा की तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और साथ ही साथ वामफ्रंट की तरफ से भी लेकिन तीन रैलियां शहर में निकली हुई थी। और आज फिर लेकिन देखा जा रहा है कि आज INDTUC की तरफ से यानी कि तृणमूल कांग्रेस के एक शाखा की तरफ से लेकिन ये रैली निकली हुई है। आप देख रहे हैं कि डेकोरेटर लेबर यूनियन की तरफ से भी लेकिन ये रैली जो है वो निकली हुई है और बहुत सारे जो भी संगठन के लोग हैं वो सभी इस रैली पर लेकिन निकले हुए हैं। सिलीगुड़ी शहर के फिलहाल हिलकार्ड रोड को क्रॉस करते हुए ये धीरे धीरे आगे की तरफ ये रैली जो है वो बढ़ रही है। और इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ से भी NJP शाखा की तरफ से जो है वो भी ये रैली जो है वो निकली हुई है। और हम बात करेंगे यहाँ पर आज जो रैली आज हम लोग जो रैली निकला हम लोग ट्रेड यूनियन की तरफ से, हाँ ये जो BJP का जो सरचारी जो आप कर रहा है सब इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का जो मांग है अब तो एक तो वो जो बलात्कार हुआ इसका प्रतिबंध हम लोग कर रहे हैं, कृषि के बिल जो पास किया उसको करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग का मांग। और देख रहे हैं कि INDTUC और तृणमूल कांग्रेस का दोनों का ही झंडा लेकिन लहराते हुए लोग लेकिन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम कहें अगर युवाओं से लेकर के अगर वृद्धों तक की अगर बात करें तो दोनों ही संख्या में लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ भी देखी जा रही है। जातीयवादी ट्रक ड्राइवर वर्कर्स यूनियन की तरफ से भी इसको समर्थन देते हुए रैली निकली हुई है। और अब भीड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भीड़ भारी तादाद में लोगों की देखी जा रही है जहाँ पर ये बाघा जतीन पार्क से ये रैली निकल चुकी है और आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है।
ये आप देख सकते हैं कि रेगुलेटेड मार्केट प्रीमियर तृणमूल टेम्पररी गोदी वर्कर एंड लेबर यूनियन के तरफ से ये रैली निकल रही है और जितने भी शाखाएं हैं वो सभी लेकिन इस रैली को समर्थन देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी शहर के महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरवी मोड़ पर मौजूद है और यहां पर INTTUC की तरफ से जो रैली आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे सैकड़ों की तादाद में लेकिन लोगों की भीड़ देखी जा रही है और केंद्र सरकार के विरुद्ध में ये रैली जो है वो आ रही है। हम आपको बता दें जो यूपी सरकार के अंडर अगर हम बात कहें या फिर जो हाथरस के जो कांड की अगर हम बात कहें तो वो हाथरस के कांड के विरुद्ध में और साथ ही साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल निकाला गया है वो सभी के विरुद्ध लेकिन आज INTTUC की तरफ से ये विशाल रैली जो है वो निकल पड़ी है सिलीगुड़ी शहर से और फिलहाल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो कि महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरवी मोड़ से ये सीधी तस्वीरें जो है वो देखने को आपको मिल रही है। उसके विरोध में आज का ये पद यात्रा है। आप तमाम साथियों को राजनीति बीजेपी दूर हटो दूर हटो देश बिक्री बीजेपी दूर हटो दूर हटो देश बिक्री बीजेपी दूर हटो दूर हटो दलित हत्या बीजेपी दूर हटो दूर हटो नारी घाती बीजेपी दूर हटो दूर हटो हरिजन हत्या बीजेपी दूर हटो दूर हटो श्रमिक विरोधी बीजेपी दूर हटो दूर हटो कृषक विरोधी बीजेपी दूर हटो दूर हटो वंदे मातरम पेट्रोल डीजल गैसের দাম বাড়ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব দাও পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন বিজেপি তুমি জবাব দাও আমরা কেন্দ্রের বঞ্চনা মানছি না মানব না তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার বঞ্চনা মানছে না মানবে না বাংলার বঞ্চনা তৃণমূল কংগ্রেস মানছে না মানবে না বাংলা কেন্দ্রের বঞ্চনা মানবে না বাংলা কেন্দ্রের বঞ্চনা মানবে না দেশের খাবে দেশের পড়বে দেশকেই বেঁচে দেবে কেন বিজেপি জবাব দাও দেশের খাবে দেশের পড়বে দেশকেই বেঁচে দেবে কেন বিজেপি জবাব দাও বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ 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 তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ 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 মামাটি মানুষ মামাটি মানুষ মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে ভাই দেশে এখন এক অসময় খুব দুর্দিন এবং দুর্দিনে
श्रमिक विरोधी, कृषक विरोधी, देश विरोधी, दलित विरोधी, हरिजन विरोधी, नारी देर संभ्रम रक्षा करते ना पारा, नारी देर हत्याकारी, धर्षणकारी, देश बिक्रीर, मोदी बाबूर 56 इंची छातीर बाहुबली महाबली सरकार, देशेर मानुष रास्ताय, कृषकरा लुटोपुटी खाच्छे शेष, श्रमिकरा धूलोय गड़ागड़ी शेष, दलित हरिजन एवं नारीदेर ओपर जा अत्याचार होच्छे, उत्तर प्रदेशेर योगी आदित्यनाथेर सरकार एवं तार गुरु ठाकुर मोदी बाबू अमित शाह से दाय अस्वीकार करते पारेन ना। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই দেশবিরোধী, কৃষক বিরোধী, শ্রমিক বিরোধী, দেশ বিক্রির, দলিত বিরোধী, হরিজন বিরোধী, নারী ঘাতী, ধর্ষণকারী, অপদার্থ, জুমলাবাজ, মিথ্যেবাদী কেন্দ্রের সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে পারব, ততক্ষণ আমাদের সংগ্রাম চলবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামের নেত্রী। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার দেখেছি কুৎস, অপপ্রচার, ষড়যন্ত্র, মিথ্যা, অন্যায় শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে সত্য, শেষ কথা বলে ন্যায়, শেষ কথা বলেন মানুষ। আর এই মহাবলী বাহুবলী বিজেপির বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ে শেষ কথা বলবেন মানুষ, এবং অবশ্যই মানুষের নেত্রী, জননেত্রী, আমাদের নেত্রী, সংগ্রামের নেত্রী, আন্দোলনের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 250 সিটে বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপির জোটকে দূরে সরিয়ে মানুষের মহাজোটকে মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 250 সিটে না জেতানো পর্যন্ত, কেন্দ্রে 303-এ ওরা ক্ষমতায় গেছে বলে ওরা ভাবছে দেশের যা কিছু জাতীয়, যা কিছু রাষ্ট্রের, যা কিছু মানুষের, যা কিছু দেশের, যা কিছু ন্যাশনালাইজড, যা কিছু আপনার আমার সকলের, তা ওরা বেচে দেবে আলু পটলের মতো। ওরা ভাবছে ওগুলো যেন গুজরাট থেকে নিয়ে এসছে ওদের পৈতৃক সম্পত্তি। তাই 24 সালে এই 303-এর সরকারকে যতদিন না পর্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে আমরা সরাতে পারব, ততদিন আমাদের এই সংগ্রাম চলবে। আজকে সেই সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতায় আমরা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এখানে আমাদের দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আছেন রঞ্জন সরকার, আমাদের দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিউসির সভাপতি আছেন অরূপ রতন ঘোষ, এবং দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিউসি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অন্যান্য নেতৃত্ব, জনপ্রতিনিধি, আমাদের দলীয় পদাধিকারীরা আছেন। আজকে প্রচুর শ্রমিক বন্ধুরা মিছিলে এসেছেন। আমরা এই মিছিল আজকে একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এই লড়াই চলবে, লড়াই করো, লড়াই করো, লড়াই করো, যতদিন না বিজয়ী হও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নেত্রী যিনি লড়াইতে জেতার জন্যই লড়েন, হারেন না কখনো। তার নেতৃত্বে এই লড়াই আমরা ততদিন পর্যন্ত লড়ব যতদিন না ওদেরকে আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আমাদের দেশের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারব। শুধু একটা কথা, যে যে আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ওব্রায়েন এবং আমাদের নেত্রী রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনকে মানুষের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে তাদেরকে সাসপেন্ড হতে হয়, আমরা মনে করি দার্জিলিং জেলার সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যারা আমরা ভাব শিষ্য, তারা মনে করি যে ভারতবর্ষের যে সরকার, অহংকারী সরকার, দলিত মেয়েকে যারা পুড়িয়ে মারে, মায়ের হাতে তার দেহ দেয় না, যে সরকার ভারতবর্ষের এই গত 5-6 বছরে 50,000 কৃষককে যারা আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়, তাদের আর রাস্তায় থাকা উচিত না, তাদের সরকারে থাকা উচিত না, এবং এই সাধারণ মানুষ যাদেরকে দেখছেন, শ্রমিক কৃষক যারা হাঁটলো আজকে পথে, এই লক্ষ লক্ষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মী, তারা ভারতবর্ষ থেকে এই বিজেপির সরকার, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহের অহংকারী সরকারকে তারা সরিয়ে দেবে, সরিয়ে দেবে, সরিয়ে দেবে।
फिलहाल हम सुन रहे थे राज्य के जो नेत्री है डोला सेन, उनको भी सुन रहे थे। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है रंजन सरकार को भी हमने सुना, और पूरे तरीके से लेकिन केंद्र सरकार पर विभिन्न आरोपों को लगाते हुए और जन विरोधी बातों को कहते हुए, लेकिन आज उन्होंने बाघा जतिन पार्क से ये रैली निकाली है जो कि आज अभी महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरवी मोड़ पर आकर के समाप्त हुई है। और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यूपी सरकार के विरुद्ध भी लेकिन ये एक रैली थी जहाँ पर हाथरस बलात्कार की जो घटना हुई थी वो सभी हम अवगत है उस मामले से, और साथ ही साथ कृषक बिल को लेकर के भी, लेकिन ये रैली जो है वो आज निकली और ये बड़ी रैली जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया वो सभी आप लोगों ने सुना। सिलीगुड़ी के महात्मा गांधी मोड़ से नेहा गुप्ता, एसके लाइव। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता, विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 8348888881 या 9324953282।